जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग की बात करूं तो इस समय मैं खड़ा हूं ISBT हमीरपुर यानी हमीरपुर के बस स्टैंड पे। और आज के अगर ब्लॉग की बात करूं तो हम हमीरपुर से लेकर आसरका घाट तक जाने वाले यानी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आज हमारी जर्नी होने वाली है। और इसके लिए आज हम दो बसेस को प्रेफर करेंगे। हम पहले एक बस में बस्सी तक जाएंगे और देन फिर वहाँ से दूसरी बस को पिक करके हम आगे सरका घाट के लिए। और ये हमारे सामने रही चंबा डिपो की चंबा शिमला बस, जिसमें हमने अपना पिछला वाला ब्लॉग शूट किया था। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। मीरपुर से डिपार्चर की बात करें तो एग्जैक्ट 10:05 पे हमारे यहाँ से डिपार्चर हो गया। और अभी अगर मैं अपनी बस की बात करूँ तो येलो लाइन यानी ठाकुर बस में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं और इसी में अभी हम बस्ती तक जाएँ। हमीरपुर बस स्टैंड से चलने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप हमेशा रहेगा पोस्ट ऑफिस चौक। अगर दोस्तों हम हमीरपुर घूमने आ रहे हैं ऊपर वाली साइड से तो आप यहीं पर उतर जाएं। यहीं से ही हमीरपुर की जो मेन मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस लोकेशन की बात करें तो अभी हम दुसड़का चौक पे पहुँचे हैं। यहाँ से राइट में रोड चला जाएगा शिमला और ऊना के लिए, और जिस लेफ्ट वाले रोड पर हम जा रहे हैं ये मंडी और सरका घाट के लिए निकल। अभी जिस लोकेशन पे मैं पहुंचा हूँ इस लोकेशन से मेरा सारा बचपन काफ़ी ज़्यादा अटैच है। मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, पर अगर कोई जानता होगा तो कमेंट में आके मुझे बता के जाना। यानी आप मान लो कि पूरा बचपन मैंने इस एरिया में बताया है। यहाँ से ऊपर हम घूमने चले जाते थे और इस बस स्टैंड के पास काफ़ी ज़्यादा अपनी पुरानी यादें जुड़ी हुई। अभी अपनी नेक्स्ट लोकेशन की बात करूं तो इस समय हम पहुंच चुके हैं लंबड़ू में, और यहीं पे हमें शनिदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब ये मंदिर नहीं था तो एक बस बारात लेके ऊपर से आ रही थी और मोड़ न कटने की वजह से वो बस खाई में गिर गई थी। देन उसी के बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया और तब से लेके अब तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित स्थान को माना गया है। आप इस ऊपर वाले व्यू से भी मंदिर को देख पाएंगे, कितना प्यारा और कितना मनमोहक सा ये मंदिर लगता है। मैं खुद भी इस मंदिर में 3-4 बार आया हूँ और काफ़ी अच्छा। अभी दोस्तों जिस रोड या हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं ये सारा सिंगल लेन ही रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं हमीरपुर से सरका घाट शॉर्टकट की तो ये रास्ता सबसे शॉर्ट पड़ता है। आप इसके अलावा बाय अबाद देवी से भी जा सकते हैं और बाय भोटो के भी जा सकते हैं। वहाँ से रास्ते आपको थोड़े से ठीक मिल सकते हैं, तो वो रास्ते काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अबाद देवी वाले रोड पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पर भी 2 लेन का वक्त अभी चला हुआ है।
10:55 पे हम पहुंच गए कैरवी चौक। यहाँ पे हमारी बस का 5 मिनट का स्टे ओवर रहने वाला है। यहीं से एक ऊपर वाली साइड से दूसरी ठाकुर बस आई थी जिसके पैसेंजर्स हमारी बस में ट्रैवल करें। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्जन देखने को मिल जाएंगी जिसका बोर्ड अभी हमारे सामने से लगा है। यहाँ से आपको 4 रास्ते डाइवर्टेड देखने को मिलेंगे। जिससे आए थे वो हमीरपुर वाला रहने वाला है और जिस पे अभी हम जा रहे हैं ये बस्सी और चका घाट का रहने वाला है। इस रूट पे दोस्तों ट्रैवल करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको यहाँ की अच्छी अच्छी जो सीनरीज है उनके पिकअप को दिखा पाऊँ। आप देख ही पाएंगे कि हमारी बस जितनी भी रफ्तार में चली है पर तब भी काफ़ी अच्छी अच्छी व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने लेफ्ट में देखेंगे तब भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, राइट में भी काफ़ी अच्छी व्यू देखने को मिल रहे हैं, फ्रंट साइड भी हमें काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ भी कह लो इस साइड के जो पायलट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं। आप देख ही पाएंगे सिंगल सिंगल से रोड है, सिर्फ एक बस ही इस रोड पर फिट हो सकती है। तब भी हमारी बस काफ़ी स्मूथली चली है, कोई भी टर्न हमारी बस ने गलत नहीं लिया, बिल्कुल एक्यूरेट टर्न के साथ हमारी बस काफ़ी अच्छी रफ्तार में मूव हुई। और इसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बस्सी में पहुँच चुके हैं। यहीं से अब हमारी बस ऊपर को जाएगी और वो लगी है सामने तोशु बस, उसमें हम बैठेंगे और देन सरका घाट की लगी मूव हो जाए। टाइम की बात करें तो 11:20 पे हम बस्सी बस स्टॉप पे पहुंच गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप सरका घाटी रहने वाला है। इस रोड पे अगर मैं बसेस की बात करूं तो सारी बसेस आपको 32 सीटेड ही देखने को मिलेंगी, जिसमें सीटिंग लेआउट की बात करें 2x2 का लेआउट देखने को मिल जाता है। ये बसेस 42 सीटेड भी चलती हैं पर मेजॉरिटी 32 सीट्स के साथ ही रहती है। इन छोटी बसेस ही इस रोड पे प्रेफर की जाती है। और इसके बाद हम डबल लेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट में बात करें तो सरका घाट का आपको डिग्री कॉलेज देखने को मिलेगा। और जिस हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं इसकी बात करूँ मारवी जोगिंदर नगर, इस हाईवे पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से बस स्टैंड की बात करें तो हार्डली 4 या 5 किलोमीटर के ही बस स्टैंड देखने को मिल जाए। ये हमारे सामने रहा सरका घाट डिपो का HADC की वर्कशॉप और इसके जस्ट सामने ही हमारा वेलकम हुआ सरका घाट की वेलकम बोर्ड। और इसी के साथ
हमारी एक और जर्नी भी अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि इस समय हम पहुंच चुके हैं सरका घाट के बस स्टैंड पे। टाइम की बात करें तो 11:55 पे हम सरका घाट के बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। टाइम इंटरवल की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेशन से 2 आवर्स हमें आज की जर्नी ख़त्म करने के लिए लगे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स थे, कब पॉइंट्स थे, पर तब भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप भी कभी आएँ तो इस रूट को प्रेफर करना ना भूलें। इसके अलावा बात करें तो जातीवार मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाया अवा देवी से रूट शूट कर सकूँ और जो हाईवे काम लगा है वो आपको दिखेगा। दोस्तों मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। मेरे सारे ब्लॉग्स देख के जाना, इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। मैं मिलूँगा आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहें सारे ब्लॉग्स। जय।